हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम डूइंग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 9th NCERT एंड वी हैव ऑलरेडी डन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर इन माय प्रीवियस वीडियो. इन दिस वीडियो आई विल डू द कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 2.1 विद द ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स स्टार्ट doing the questions. Question number 1, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State the reason for your answer. So question first ka part 1 hai. It is given 4x square minus 3x plus 7. So in the question it is asked that which of the following expressions are polynomials and which are not, and further we are to give a reason also. So wherever it is a polynomial, there is no need to give the reasoning. So what can we write? It is a polynomial in one variable. अब डिस्कस करते हैं आपस में कि ये पॉलिनोमियल है क्यों. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में आपने क्या किया था कि पॉलिनोमियल इज एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच देयर आर कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स इन्वॉल्विंग फोर फंडामेंटल्स एंड पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. तो यहाँ आप देख सकते हैं पावर 2 है, ये नॉन नेगेटिव ही है. पावर 1 है, ये भी नॉन नेगेटिव है. ना कोई अंडर रूट है, ना कोई फ्रैक्शन है. कांस्टेंट नंबर्स भी हैं 4, 3 और 7. फोर फंडामेंटल्स में ये प्लस और माइनस भी हैं. पार्ट नंबर सेकंड, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2. यहाँ ये भी पॉलिनोमियल होगा क्योंकि अंडर रूट जो है वो कांस्टेंट नंबर के ऊपर हो जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए. सो व्हाट वी विल राइट, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब वो वेरिएबल कोई पूछे कौन सा वेरिएबल, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वाई वेरिएबल है और ऊपर कौन सा वेरिएबल था, एक्स था. पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2. तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट. इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, इसका रीजन लिख देते हैं. बिकॉज इन द फर्स्ट टर्म अंडर रूट टी इज देयर एंड इन अंडर रूट टी द एक्सपोनेंट इज 1/2, क्योंकि टी की अंडर रूट लगा है तो पावर क्या होगी 1/2. पार्ट नंबर 4, वाई प्लस 2/y, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा. इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज, क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, बिकॉज इन सेकंड टर्म, देयर इज 2/y विच मीन्स 2 एंड y पावर माइनस 1. तो y की पावर माइनस 1 तो हो ही नहीं सकती, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए था, राइट. पार्ट नंबर 5, x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50, ये पॉलिनोमियल
कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट ये वन वेरिएबल में नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, टी भी आ रहा है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स ज़्यादा है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज पॉलिनोमियल्स आर मोर। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट वन एंड ऑल फाइव पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डू सेकेंड क्वेश्चन, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। Hope you have understood the solution of this question. Thank you.